वहीं हरियाणा में चंडीगढ़ को लेकर इस समय राजनीति पूरी तरह से गरमराई हुई है। चंडीगढ़ को अपना बताने पर बचकानी हरकत बताया है रणदीप सुरजेवाला ने। तो ऐसे में आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला हो चाहे किरण चौधरी हो, दोनों की तरफ से बयान सामने आया है, यानी कि इस समय हरियाणा के सभी दल एकजुट चंडीगढ़ को लेकर स्टैंड ले रहे हैं। और किरण चौधरी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। चंडीगढ़ का मुद्दा चुनावी घोषणा से ध्यान भटकाने के लिए है, कंवरपाल गुर्जर की ओर से कहा गया है। तो इस समय चंडीगढ़ को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, यानी कि हरियाणा के सभी दल चंडीगढ़ को लेकर एकजुट हैं। मेरा मानना यह है कि ये केवल और केवल लोगों का ध्यान बटाने के लिए है, क्योंकि बहुत से वादे करके वो आए, चाहे वो 300 यूनिट परिग्रहण की बात है, चाहे महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात है, चाहे दूसरे और भी जो वादे हैं उनके, भ्रष्टाचार दूर करने की बात है, नशे को दूर करने की बात है और बहुत से ऐसे वादे उन्होंने किए। अब उनको लग रहा है कि उसके लिए तो एक तैयारी की जरूरत है ना जी, काम करने की जरूरत है, तो वो करने की बजाय उन्होंने लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये जो मुद्दा है ये उन्होंने एक उठाने का जो उन्होंने प्रयास किया, मैं समझता हूँ केवल और केवल ध्यान बटाने के लिए। मुझे नहीं लगता इसका जवाब देने की भी जरूरत है। ये 27वीं बार प्रस्ताव पारित किया है वहां की विधानसभा ने, पहली बार नहीं किया। दुर्भाग्य से ना कोई अखबार ये बात लिखता ना कोई बताता किसी को। कल को भगवंत मान तो ये प्रस्ताव पारित कर देंगे कि ताजमहल उनका तो हो जाएगा, परसों वो लाल किले का प्रस्ताव पारित कर देंगे। कोई किसी चीज का कोई सिर पैर होता है उसके बाद लिख देगा कैथल मंडी जो है वो उनकी पर्सनल मलकियत है, तो बन जाएंगे हम उनकी पर्सनल मलकियत। अहम मुद्दा है पानी, अहम मुद्दा है रोजगार, यही है ना। ये मांग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई कोई मांग करता रहे, ये सारे ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। ये खाली राजनीतिक मकसद से ये ध्यान भटकाने वाली बातों को करा जाता है, ताकि असली जो मुद्दे हैं जिससे लोग त्रस्त हैं आज। चंडीगढ़ को लेकर बीजेपी के सांसदों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। पंजाब सरकार अपने घर में कुछ भी खिचड़ी पकाती रहे, वो संविधान से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। कानून के अनुसार चंडीगढ़ पर दोनों प्रदेशों का हक है और वो समझौता है, यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी रहेगी। इसलिए अपने घर में वो क्या खिचड़ी बनाते हैं उसका कोई असर होने वाला नहीं है। पंजाब में विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है, ये सिर्फ जो इन्होंने वायदे किए थे चुनाव में उनसे ध्यान हटाने के लिए लोगों का इस तरह के अक्स अपना रहे हैं, इस तरह प्रबंध कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना कोई बात। ये इस तरह के प्रस्ताव जो है वो जिस तरह से इन्होंने पहले भी एक दिग्भ्रमित जो इनके प्रचार रहते हैं उसी की उसमें एक ये कड़ी है। मुझे लगता है कि लोग इस तरह की बातों में उनका यकीन नहीं करेंगे। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि किसानों की बात करते थे, किसानों को जो है कैसे लाठीचार्ज करके उनको जो है अस्पताल के अंदर पहुँचाया उन लोगों ने। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जो है मार्ग से ये जो इनका इन्होंने जो एम लेकर सत्ता हासिल की थी पंजाब की, तो उस पर मुझे लग रहा है कि विचलित हो रहे हैं। ये बड़ी एक गैर जरूरी विवाद है जिसको दोबारा से उछाला गया है और सिर्फ राजनीतिक कारण की वजह से, जबकि ना तो इसका आज की तारीख में कोई मौका है ना औचित्य है। तो मुझे नहीं लगता उसमें वो एक उत्तेजना पैदा करने के लिए लगता है, उसमें उसमें आगे कुछ होगा ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुद्दा सिर्फ राजधानी का नहीं है, कई मुद्दे हैं जो जुड़े हुए हैं और सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुद्दा उठा के ही और उसके ऊपर दो प्रदेशों के बीच में और केंद्र सरकार के साथ बात हो। वो तो पूरा उसमें पानी का भी मुद्दा है, उसमें और बाउंड्रीज जो डिस्प्यूटेड हैं, जो लेन देन का जो एक सिलसिला जो अटक गया था, तो वो तो एक पूरा पैकेज है